Assalamu alaikum, dear students. Today our talk is ostrich cheese, bony fish. कल हमने कॉटलेज फिश के बारे में पढ़ा था. नाउ टुडे हम थोड़ा बूनी फिश के बारे में डिस्कस करें. बूनी फिश और दिस ऑस्टिक चीज, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ग्रीक में ऑस्टियन लफ्ज है. ऑस्टियन, ऑस्टियन को कहते हैं बोन. ऑस्टियन मीन्स बोन एंड इक्टिस, यू नो इट इज फिश. इक्टिस मीन्स फिश, यानी ए फिश विद ए बोन. ए फिश विद ए बोन. तो इसमें, इस ग्रुप में जब हम स्टडी करें ऑस्टिक चीज के, तो इसमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं. अलोंग कॉटिलेज भी प्रेजेंट होगी, बोन भी, या सिर्फ बोन होगी, या अलोंग विद कॉटिलेज बोन भी प्रेजेंट होगी. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, द बॉडी, बॉडी इज नॉर्मली स्पिंडल शेप्ड. इसकी बॉडी क्या है, इट इज स्पिंडल शेप्ड. नॉर्मली यही होगा, आप हम स्पिंडल शेप में देखते हैं. तीन हिस्सों में तकसीम, हेड होता है, ट्रंक होता है और टेल होती है. हेड, ट्रंक एंड टेल. दिस टेल इट इज बियॉन्ड एनस, इट इज बियॉन्ड एनस. ठीक, नॉर्मली स्पिंडल शेप बॉडी होती है, हेड, ट्रंक और टेल होती है, और टेल कहाँ होती है, इट इज बियॉन्ड एनस. शाबाश. नेक्स्ट स्केलेटन, इट इज पार्शियली और होली बोनी. यानी स्केलेटन जो इसका है, इसमें हम देखेंगे चाहे पार्शली हो या होली हो, पूरी तरह या कुछ हिस्सा इसका बोन का बना होता है. यानी इसमें सिर्फ बोन ही हो सकती है या बोन और कार्टिलेज दोनों हो सकते हैं. शाबाश. माउथ, माउथ इट इज, माउथ इज लार्ज विद मूवेबल जॉज. इसका माउथ देखेंगे, माउथ लार्ज माउथ होता है और इसमें जॉज होते हैं दैट आर मूवेबल जॉज. इसमें कौन से होते हैं, मूवेबल जॉज. शाबाश. इसका मतलब हम कह सकते हैं दे आर एडेप्टेड फॉर डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. शाबाश. क्योंकि ये फीड करते हैं ऑन प्लैंकटनस, प्लैंकटन पर फीड करते हैं, आर्थ्रोपोड्स पर फीड करते हैं, मोलस्क्स खाते हैं, पोलिप्स ऑफ दीज कोरल्स खाते हैं, या एल्गी वगैरह, इन तमाम चीज़ों पर ये फीड करते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर, बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स. शाबाश. कौन से स्केल्स, यहाँ हम अगर देखेंगे देयर आर ओवरलैपिंग द साइक्लॉइड स्केल्स. कल हमने टीन देखे थे ये प्लेकॉइड, इसमें कौन सा देखते हैं, साइक्लॉइड स्केल, या हम कहेंगे टीनाइड, या इनको कहा जाता है टीनाइड स्केल्स. शाबाश. तो दीज स्केल्स, दीज आर क्लियरली विजिबल ऑन द सर्फेस. अब ये स्केल्स जो हैं, दीज आर इम्परमेबल, ताकि ये पानी को अलाउ नहीं करते हैं, ये बॉडी से वाटर लॉस नहीं होता है. इट डज नॉट लूज एनी वाटर, या और इट डज नॉट एंटर, अलाउ द एंट्री ऑफ दिस वाटर. शाबाश. नेक्स्ट, गिल्स से, गिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं. शाबाश. या हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स. हार्ट, हार्ट इज टू चैम्बर्ड. शाबाश. दो चैम्बर्ड वाला हार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, जो कल दूसरी फिश में भी हमने देखा था. इसकी टेल जो है, दिस टेल इट इज सिमेट्रिकल टेल. शाबाश. कल देखी थी हमने, देट वॉज ए सीमेट्रिकल, लेकिन इसमें सीमेट्रिकल टेल होती है. मसलन मैं आपको दिखाऊँ, ये एक फिश है, फ्लाइंग फिश, देखो सीमेट्रिकल टेल इसमें प्रेजेंट है, इसमें सीमेट्रिकल टेल प्रेजेंट है. शाबाश. देन नेक्स्ट, अगर एयर ब्लेडर की बात करें या स्विम ब्लेडर की बात करें, इट इज प्रेजेंट. शाबाश. स्विम ब्लेडर क्या होता है, प्रेजेंट होता है. अब ये स्विम ब्लेडर क्या हेल्प करता है, ये एक चीज में मदद करता है कि जो मछली है, इट हेल्प्स इट टू राइज. कभी गैस भरा जाता है इसमें, जब गैस भरा जाता है तो ये ऊपर आती है पानी के ऊपर, फिर जब ये पानी छोड़ता है उस वक्त ये सिंक करती है. मछली क्या करती है, इट सिंक्स डाउन, कुछ हाइट नीचे ये जाती है, एक खास पर्टिकुलर लेवल पर या डेप्थ पर ये जाती है विदाउट स्पेंडिंग मच एनर्जी. इसमें कोई ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जो हमने कल उन शार्क्स वगैरह में पढ़ा था, उनको कंटिन्यूसली मूव करना पड़ता है, लिहाजा इन्हें वो प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, दे हैव लेटरल लाइन ऑफ सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स हैं इनमें, लेटरल लाइन ऑफ सेंस ऑर्गन्स हैं. यदि एक सीरीज, अगर ये मछली है, हम देखते हैं सीरीज ऑफ पिट्स, क्या देखते हैं, पिट्स की एक सीरीज देखते हैं अलॉन्ग विद लेटरल साइन
फ्रॉम हेड टू टेल, शबाश, हेड से टेल फिन तक ये सीरीज ऑफ फिट्स होते हैं और इनमें नर्व सेल्स होती हैं, वो सेंस ऑर्गन्स का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, दे डिटेक्ट द वाइब्रेशन, दे डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अदर फिश, जो दूसरी फिश वाइब्रेशन करे या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जनरेट करे, ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं, शबाश। अच्छा, सेंसरी ऑर्गन्स इनमें होती हैं, आँखों का एक जोड़ा होता है, ए पेयर ऑफ आईज, शबाश, है सर पर होते हैं और नॉस्ट्रल्स वगैरह होते हैं, नॉस्ट्रल्स हमेशा हेल्प करते हैं इन डिटेक्टिंग द ऑर्डर, नॉस्ट्रल्स किस में हेल्प करते हैं, डिटेक्टिंग द ऑर्डर, शबाश। नेक्स्ट कैरेक्टर, दे आर कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मिक, इसका मतलब वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, रिटेन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल, तो दे आर मोस्टली दे आर ओविपेरस, दे आर एग लेइंग, कुछ में हम देखते हैं दे शो एक नेस्ट बिल्डिंग, दे शो नेस्ट बिल्डिंग, दे शो केयरिंग ऑफ एग्स, हैचिंग तक केयर करते हैं एग्स की या नेस्ट बिल्डिंग करते हैं, नेस्ट बिल्डिंग में हमारे पास ये है सियामीज फ्लाइंग फिश, नेस्ट बिल्डिंग किस में होता है, सियामीज फ्लाइंग फिश, सियामीज फ्लाइंग फिश इसमें क्या है, ये नेस्ट बिल्डिंग करता है, शबाश। इसमें एग्जाम्पल्स हमें फ्रेश वाटर में आती है, रूहू आता है, कैटला आता है, कलबसू आता है, या मेरीन वाटर की पम्फ्रेट आती है, बॉम्बे डक आती है, इंडियन सॉलोमन आती है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, शबाश। इनमें एक कुछ एक खास कैरेक्टर आपको बताऊँ, देखो फ्लाइंग फिश जो हमारे पास है, फ्लाइंग फिश, इस फ्लाइंग फिश ये दिस वन इज फ्लाइंग फिश, ये देखिए फ्लाइंग फिश, इसको एग्जोसीटस भी कहा जाता है, इसमें जो पेक्टोरल फिन्स हैं ये बड़ी बड़ी होती हैं, पेक्टोरल फिन्स क्या होती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं, क्यों, दे आर यूज फॉर ग्लाइडिंग, कुछ मीटर ये एयर में ग्लाइड करती हैं, हाँ उड़ती तो नहीं है लेकिन ग्लाइड करती हैं, लीप दे लीप आउट ऑफ वाटर। इस तरह हमारे पास एक है, देखो सी हॉर्स, हिपोकैम्पस, इसका हेड बिल्कुल जो है हॉर्स की जगह लगता है, इसमें मेल्स में हम देखते हैं देयर इज ब्रूड पाउच, वहाँ क्या है, ब्रूड पाउच, जबकि फीमेल्स ले करती हैं एग्स, इसमें मेल्स पेरेंटल केयर ज़्यादा दिखाते हैं, तब तक जब तक एग्स हैच होंगे तब तक उसका केयर कौन करता है, मेल, शबाश। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ, ईल तो आपने सुना होगा, एंगुला, ये बिल्कुल स्नेक जैसी बॉडी होती है, इसमें रूडिमेंट्री स्केल्स होते हैं, स्केल्स हैं लेकिन रूडिमेंट्री स्केल्स, इसमें पेक्टोरल फिन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन पेल्विक फिन्स नहीं होते हैं, और एक बड़ी सी टेल होती है इसमें। अच्छा, ये हमने किया, अब हमने दो किस्म की फिश पढ़ी, कॉटिलेज फिश और दूसरी हमने पढ़ी शबाश बूनी फिश, अगर इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना होगा, कॉटिलेज फिश में हमें पता है इट हैज कॉटिलेजनस स्केलेटन, इसमें हम कहेंगे देयर इज बोनी स्केलेटन, या बोन और कॉटिलेज दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, कल हमने कहा था कॉटिलेज फिश में दैट इज वेंट्रल माउथ, जबकि इसमें एंटीरियर माउथ होता है, जिसमें एंटीरियर माउथ होता है। अच्छा, वहाँ गिल सिलिटस विजिबल थे, यहाँ गिल सिलिटस विजिबल नहीं है, दे आर कवर्ड बाई ओपरक्यूलम, दे आर कवर्ड बाई ओपरक्यूलम। इसी तरह हम देखें, कल हमने देखा था उसमें कॉटिलेज फिश में दियर और प्लाकाइड स्केल्स जो इम्बेड होती हैं स्किन में, यहाँ कौन से देखते हैं, ओवरलैपिंग साइकोलाइड स्केल्स दैट आर विजिबल ऑन द सरफेस। टेल हमने देखी थी कॉटिलेज फिश में दैट इज एसिमेट्रिकल, जबकि यहाँ देखिए सिमेट्रिकल टेल। फिन्स वहाँ देखे थे हमने, फिन रेज एबसेंट हैं लेकिन यहाँ फिन रेज प्रेजेंट हैं। स्विम ब्लेडर एबसेंट था कॉटिलेजनस फिश में, जबकि इसमें स्विम ब्लेडर प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है कॉटिलेजनस फिश में, जबकि यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है कॉटिलेजनस फिश में, जबकि बूनी फिश में एक्सटर्नल होती है, शबाश। तो जो कॉटिलेजनस फिश दे आर मैरीन, ओनली मैरीन फार्मर्स, यहाँ ये मैरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। इट वॉज अबाउट दिस ऑस्टिक थीज, नेक्स्ट वी विल डिस्कस एम्फीबिया इंशाल्लाह। Thank you. Allah Hafiz. Stay home. Stay safe.